लंदन दे विक्टोरिया अते अल्बर्ट म्यूजियम च दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की कलगी कई सालों तो मौजूद है अते इस कलगी बारे म्यूजियम कोल कोई रिकॉर्ड नहीं। दावा किया जा रहा है कि वही कलगी है जो जुलाई 1707 च मुगल बादशाह बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु आगरा विखे हुई मुलाकात दौरान तोहफे वजो दिती सी। साल 1849 च जदों अंग्रेजा ने लाहौर किले ते कब्जा किया तो उस समय राजा महाराजा नाल संबंधित बेशकीमती समान तोशा खाना च रखवाए गए सन। इन्हां च दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी कलगी भी शामिल सी। इतिहासिक दस्तावेजा मुताबक इन्हां च ज्यादातर समान नू वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने अपनी निजी संपत्ति वजो रख लिया सी अते बेशकीमती हीरे जहाज राही महाराणी विक्टोरिया नू लंडन भिजवा दिते सन। साल 1965 साबका राज्यसभा मेंबर तरलोचन सिंह जो लंदन गए तो उदो यह तमाम बेशकीमती समान भारत लियाउण दीआं कोशिशां शुरू होईआं, जिस बाद 1980 च यह बेशकीमती समान अमृतसर दे महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम विखे लियांदा गया। तां मैं लंदन गया सी एक वारी ते नटवर सिंह जी उत्थे डिप्टी हाई कमिश्नर सी। मैं उन्होंने कहा कि मेरी को मुलाकात कराओ, मैं म्यूजियम वेखना चाहुंदा। ग्लैडस्टन सीगे उत्थे विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम सब तो बड़ा म्यूजियम है यूके का लंदन। उन्हें कहा मैं तुहानूं उन्हूं मिला देना। मैं फिर नैक्सट डे ग्लैडस्टन नूं मिलिया। मैं ग्लैडस्टन नूं पुछया भी तेरे कोल सिखां दा की है। उन्हें कहा जी मैनूं दो दिन लगनगे, मैं लिस्ट बना के देना। उन्हें फिर सारा जो समान सिखां दा उस म्यूजियम पिया उहदी मैं उन्हूं लिस्ट बना के दित्ती। वो लिस्ट सारी जिहड़ी है वह लिया के मैं पंजाब गौरमेंट ज्ञानी जैल सिंह उदों पंजाब का चीफ मिनिस्टर सी उन्होंने दे दित्ती। तो फिर ज्ञानी जी ने वो लिस्ट तो मुताबक एक डबल्यू सी आर्चर होए। वो आर्चर वो है जिन्हें के शस्त्र जड़े आए सी गुरु गोबिंद सिंह दे 1965 उन्हें लभे से उन्हें लभे तो गवर्नमेंट भारत सरकार ने खरीदे। शास्त्री प्राइम मिनिस्टर से वो आनंदपुर साहब पे उन्होंने कहा जी आर्चर नू पुछो। तो ज्ञानी जी ने उस वक्त आर्डर देते वे कोशिश करो कि समान उतों आवे। असी फिर वो खतों किताबत करन लग गए। अखीर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने सानू अलाउ किया कि 20-25 उन्होंने जो समान पे है वह अमृतसर आके एग्जीबिशन हुई सरदार दरबारा सिंह तो मुख्यमंत्री से। पर उन्होंने किसी भी उन्होंने कलगी का जिक्र नहीं किया। जिहड़ा तोशा खाना महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेज़ लै गए उसकी किताब छापी है जिहड़ा क्यूरेटर है लाहौर म्यूजियम का, तो उन्हें उसके चैप्टर लिखे। तो हैरानगी हुई कि हज़रत मुहम्मद जी दे जिहड़ा मुईए मुबारक जिहड़ा अज श्रीनगर पे है ये महाराजा रणजीत सिंह कोल सी। इतनी वड्डी गल कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कोल की रखिया, उन्हें की लोगों तो खरीद के अपने कोल रखिया। तो उहदे च कलगी भी खरीदी। वो लोगन सीगा जिहड़ा इंचार्ज अंग्रेज़ जिन्हें लिस्ट बनाई भी समान की है उहदे च लिखिया है एक कलगी इत्थों लै के कलकत्ते गए। बाकी समान गया कोहिनूर भी गया, हीरे जवाहरात गए, महाराज रणजीत सिंह का कुर्सी गई जी तख्त है जी लंदन। वह जदों कलकत्त्यों समान गया लंदन बाई स्पैशल शिप गया, सानू नहीं पता लग्या भी कलगी किथे गई। जांच पड़ताल तो बाद पता लगा कि इस कलगी नू एक ब्रिटिश अफसर ने साल 1853 च खरीद लिया सी, जिस तो बाद इस नू पहला पेरिस अते फिर लंदन दे म्यूजियम विखे नुमाइश लई रख्या गया अते कलगी अज भी लंदन दे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम विखे मौजूद है। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आगरे गए सी उतों बहादुर शाह जरा औरंगजेब का पुत्र सी उन्हें गुरु महाराज जी ने कलगी पेंट की घोड़े कीते। वह कलगी गुरु साहब कोल रही, वो ही नंदेड़ गई भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी क्यों पाते से। इस करके कि लोगों दसो कि मैं भी बादशाह ताकि थोड़ा डर हटे कि मुगल लांदन कलगी होर कोई ला नहीं सकता। उन्होंने वो ला डिफाई किया। वो बाद क्यों रखते सी को गुरु साहब तो धार्मिक आगू सन ताकि लोगों च विश्वास होवे कि साडा गुरु भी पूरे अख्तियार रखता। सो जिहड़ी कलगी गुरु साहब नूं मिली हो वह कलगी वह सी जिवें अकबर दी सी, जिवें शाहजहान दी सी, औरंगजेब दी। इहनूं मुगल कलगियां कहिंदे। ये सारियां कलगियां जेड़ जेड़ की है ये लोगों नूं पता ही नहीं। जेड़ हुंदा एक नवीं धात आई है जिहदा रंग कच वर्गा हुंदा, वह दूरों वेखो तो लगता कच पिया। ये जेड़ मुगल ही लियाए ते वह कलगियां कि जिहड़ी कलगी गुरु साहब कोल सी जदों रखी गई लाहौर उहदा नां लिखता गया कलगी ए कच, कि उहनूं पता नहीं सी ये जेड है तो उहने लिखता कलगी ए कच।
सो मेरी यह राय है भी जिहड़ी कलगियां मैं वेख के आया लंडन मुगलों दियां उत्थे सारियां पईयां, सारियां कलगियां मुगल बादशाह दियां उत्थे पईयां, उन्हां च एक कलगी होर पई है उन्हां वर्गी लिखिया गए अननोन पई है। सो मैं उस ते खोज की कि जिहड़ी लाहौर तो बाद कलकत्ते गई, कलकत्ते एक कलगी चोरी होई, वह कि हुई और वह चोरी हो के अंग्रेज़ पैरिस लै गया, पैरिस तो बाद लंडन पहुँच गई, वो हूँ कलगी उतों चोरी हुई है 1855 च, साड़ी कलगी जी है वह 1851 च कलकत्ते पहुँची है। सो मेरी ये बेनती है कि श्रोमणी कमेटी लंडन दे गुरद्वारा कमेटियाँ अज लोड़ की है इस ते रिसर्च करो, मैं नहीं कि मैं सच हाँ या मैं, मेरी तो राय है कि जे कलगी की खोज नहीं करनी तो सिख कौम इन्ना सरमाया इन्ना कुछ है तो असी दुनिया अजक सारे मुल्क लभ रहे हैं कि अंग्रेज़ की लै के वापस मंगाओ, कोई असी कोई नूर मंगते हैं रोज़ भी, कलगी तो कीमती चीज़ कोई हो सकती है। सो मेरी तो बेनती है कि कलगी की खोज लई श्रोमणी कमेटी लंडन के गुरुद्वारे इकट्ठे होकर कोई अंग्रेज़ रिसर्च वाला हायर करो और वो ढूंढे कि जिहड़ी कलगियां उत्थे पईयां उन्हां विचों की कोई नाल जुड़दी है, इस तरह ही जिहड़ियां चीज़ां पईयां उन्हां दा तसव्वुर हुंदा ते नाल हिस्टरी हुंदी है, वो साडा तसव्वुर ते हिस्टरी च कलगी जिहड़ी है वो खोज हो सकदी है। साबका राज्यसभा मैंबर तरलोचन सिंह ने खोजकारां ते विद्वानां नूं अपील की है कि गुरु महाराज की इस निशानी नूं भारत लियाउण बारे यतन किए जाने।